नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स टीवी। मैं निशा चड्ढा अपने वीडियो जर्नलिस्ट राजेश के साथ इस वक्त स्वर्गीय पूर्व मंत्री जीएस बाली जी के निवास स्थान पर मौजूद हैं। आप देख पा रहे हैं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पहुंचे हैं नए प्रकट करने, उनके सपूत रघुवीर सिंह बाली जिसे बातचीत कर रहे हैं। गहन चिंतन जो है वो हो रही है, गहन चिंतन किया जा रहा है। लाइव तस्वीरें देख रहे हैं आप लाइव टीम्स टीवी के माध्यम से। कुछ ही देर में जो है केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से बातचीत भी करेंगे, जानना चाहेंगे कि उनके संबंध किस तरीके से थे, कैसे थे। पूर्व मंत्री जीएस बाली जी के साथ कैसे संबंध थे, चर्चा करने की कोशिश करेंगे। पत्नी से मिलने गए हैं अभी, कुछ ही देर में रूबरू होंगे, उनसे जानने की ज़रूर कोशिश करेंगे कि कैसे उनके संबंध थे स्वर्गीय जीएस बाली जी के साथ।
आप देख पा रहे हैं लाइव तस्वीरें लाइव टाइम्स टीवी के माध्यम से। कुछ ही देर में जो है यहाँ पर हम लाइव तो जो है जुड़ेंगे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी के साथ। कुछ ही देर में जो है लाइव जुड़ेंगे हमारे साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, उनसे चर्चा जो है करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे क्या कैसे संबंध थे उनके स्वर्गीय पूर्व मंत्री जे एस बारी जी के साथ। स्वर्गीय बाली जी ने लंबे समय तक हिमाचल प्रदेश की राजनीति में अपने काम की वजह से ना केवल लोगों की सेवा की, दिल जीतने का काम भी किया। केवल एक राजनीतिक दल तक वो जुड़े नहीं रहे, उन दलों से परे भी बाकी दल के नेताओं से भी दिल से जुड़े रहे। राजनीति उनके लिए एक सेवा का जरिया था, और मैं कह सकता हूँ कि छोटे से राज्य से भी उन्होंने देश की राजनीति में एक अपना नाम बनाया, ये किसी भी हिमाचलवासी के लिए गर्व की बात है। और मुझे पूर्ण विश्वास है जो कार्य उन्होंने शुरू किए हैं लोगों की सेवा के लिए, वो भी आगे बढ़ाएंगे। हमने न केवल एक वरिष्ठ राजनेता को खोया है, एक परिवार के सदस्य को भी खोया है, क्योंकि छोटे से राज्य से देश में अपनी पहचान बनाना कोई छोटी बात नहीं होती। उनकी मेहनत थी, प्रयास थे, लोगों की सेवा भी की, क्षेत्र और प्रदेश का विकास भी किया। आज उनके ना रहने से जहां एक और उनके परिवार को क्षति हुई है, वहीं हिमाचल प्रदेश ने भी एक जन नेता को खोया है। सर कांगड़ाए हैं सर, ऐसे में राजनीति की बात भी ना हो तो उनसे
हिमाचल प्रदेश में सर चार सीटें जो है वे कांग्रेस के खेमे में चली गई हैं, कितना देखते हैं आखिर हार के कारणों को क्या मानते हैं? जो चुनाव परिणाम आए हैं उसके बाद इतना ही कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी इन नतीजों पर, जो इसके पीछे कारण रहे, जिनके कारण प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, उस पर चिंतन भी करेगी, मंथन भी करेगी और उसके बाद जो भी कड़े निर्णय को कदम उठाने की ज़रूरत होगी वो भी उठाएंगे और प्रयास करेंगे ताकि एक बार फिर 2022 में अच्छे नतीजे आए। कहीं हिमाचल प्रदेश में कुछ फेरबदल होने की आशंका तो नहीं है? मुझे लगता है मीडिया के क्यास हैं, जो चुनावों से पहले भी लगते हैं बाद भी लगते हैं, ना ऐसी कोई बातचीत है। धन्यवाद। तो इस वक्त हम जो है केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से जुड़े थे, जिन्होंने अगर हम बात करें पक्ष के नेता के बारे में इतनी बड़ी बात कही है, बेहद सही बात भी कहना चाहेंगे। और एक बार आपको फिर बताना चाहेंगे कि उन्होंने स्वर्गीय पूर्व मंत्री जी एस बाली जी के बारे में कहा कि विपक्ष के लिए भी काफ़ी प्रेम रहा है, पार्टी से अलग भी दिलों से जुड़े रहे नेता जो हैं। और कुछ लोग जो हैं यहाँ पे अपनी समस्याएं लेकर भी मौजूद हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं लाइव तस्वीरों में। पर्सनली भी कहा कि पार्टी से हट के भी दूसरे पक्ष के जो नेता हैं सामने, दूसरी पार्टी के, दूसरे दल के, उनसे भी अच्छे दिल से जुड़े हुए थे और पूरे हिमाचल प्रदेश की क्षति बताई है। आप लगातार लाइव टाइम्स टीवी के माध्यम से देख रहे हैं लाइव टेलीकास्ट। नंबर लेके लगे यहाँ से रवाना हो रहे हैं, आप देख पा रहे हैं लाइव तस्वीरें। आपने अभी लाइव तस्वीरों के माध्यम से देखा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी आरएस बाली के घर से रवाना हो चुके हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले लाइव में, मैं निष्ठा चड्ढा अपने वीडियो चैनल साजेश के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।